अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ में धोखाधड़ी के मामले में ट्रायल शुरू हो चुका है। इसके चलते वो अब सोमवार को न्यूयॉर्क की एक कोर्ट में पेश हुए। दरअसल ट्रंप पर आरोप है कि उन्होंने अपने रियल एस्टेट बिजनेस के बारे में झूठ बोलकर $100 मिलियन से अधिक की कमाई की। उनके खिलाफ में न्यूयॉर्क में की अटॉर्नी जनरल ने ये मुकदमा दायर किया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि ट्रंप ने अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के दौरान अपने हिसाब और बैंक लोन और स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम हासिल करके साल 2011 से लेकर साल 2021 तक अपनी संपत्ति में बेतहाशा वृद्धि की।